एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी में हुए जमीन आवंटन घोटाले मामले में सदस्य प्रभात सिन्हा ने सोसाइटी के स्वयंभू कपिल देवगिरी, समृद्धि अपार्टमेंट के बिल्डर आनंद कुमार, संजय बर्नवाल, एसबी सिंह, नेहा झा, रौनक शर्मा और अन्य के खिलाफ हाई कोर्ट में शरण ली है। इन लोगों पर गलत तरीके से प्लॉट आवंटन कराने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही महानिबंधन कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कटघरे में खड़ा किया गया है, जिनके द्वारा 1.5 साल बाद भी जांच की कार्रवाई शुरू नहीं की गई और न ही शिकायत पर अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई है। आइए देखते हैं शिकायतकर्ता प्रभात सिन्हा क्या कह रहे हैं। एजी ऑफिस इम्प्लाइज हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड कडरू रांची के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक रेफरेंस लेटर नंबर है AG HCS/G62। फिर से बता रहे हैं, रेफरेंस नंबर AG HCS/G62 डेटेड 16/10/2023। इसमें इन्होंने कुछ मेंबर बनाए हैं, मेंबर बनाने के बाद उनको प्लॉट भी आवंटित किए हैं, जिसकी सारी जानकारी हम लोग जो हाईकोर्ट किए हैं, हाईकोर्ट का केस नंबर में उसको भी हम आपको डिटेल बताएंगे। हाईकोर्ट का केस नंबर 222 केस हम लोग किए हैं, उसमें सारा कागज लग गया है। एक हाईकोर्ट में जो केस किए हैं उसका एक केस नंबर है WPC number 7664/23 और दूसरा है WPC CR number 1226/2023। इस केस में ये जानकारी हम लोग दिए हैं वहाँ हाईकोर्ट में भी, जो ये मेंबर बनाए हैं संजय कुमार शर्मा, 2019 में जो के जो चुनाव होने के बाद इस तरह की सदस्यता बनाकर वो उसको आवंटित किए हैं, ये 2019 के बाद का है। उसमें संजय कुमार शर्मा हैं 2207B, रोशन शर्मा हैं 198A, जबकि इनको पूर्व में 195P भी अलॉट किया गया है। उसके बाद हमारे आशुतोष गिरी हैं, इनका भी 191A प्लॉट आवंटित किया गया है। शशि भूषण सिंह हैं, उनका 312A, ये ओल्ड एजी कॉलोनी का है। जितने उधर बताया गया वो उसमें नहीं, एक आपका रोशन शर्मा का 198A जो बताए हैं वो ओल्ड एजी कॉलोनी कटरू का है, लेकिन संजय कुमार शर्मा का भी न्यू एजी कॉलोनी है। आशुतोष गिरी भी न्यू एजी कॉलोनी में 191A है। शशि भूषण सिंह 112A, ये हमारा कम्युनिटी हॉल ओल्ड एजी कॉलोनी कटरू का है, उसमें इनको अलॉट किया गया है। किशोर कुमार मिश्रा 207, ये है न्यू एजी कॉलोनी में, इनको अलॉट किया गया है। पूजा झा 127A, ये ओल्ड एजी कॉलोनी कटरू में, इनको अलॉट किया गया है, ये पार्क का जमीन है। संजय कुमार बर्नवाल उसी पार्क का सेकेंड पार्क में, इनको अलॉट किया गया 124A, इनको भी अलॉट कर दिया गया है। साथ में सौरभ राज हैं, इनको 286A, ये पानी टंकी था, ये न्यू एजी कॉलोनी में ये प्लॉट आवंटित था, वहाँ इसको ये सौरभ राज को दिया गया है। तो ये सारा लिस्टिंग जो है हमारा हाईकोर्ट में इसको इंडोर्स करा दिए हैं हम, सारी कार्रवाई वहाँ भी होगी। अभी ये आगे देखते हैं कि इनका क्या रवैया है, प्लॉट आवंटित करने के बाद भी इस पर हर तरह का रोक लगाए हैं और हाईकोर्ट में भी इसका मैटर चलाया है, देखें आगे इस पर हम लोग की क्या कार्रवाई होती है। दूसरा ये है न्यू एजी कॉलोनी में हमारा एक RS प्लॉट, प्लॉट नंबर 65, खाता नंबर 19, जमीन का नापी जो है 1.03 एकड़ दिखाया जा रहा है, एक्चुअल टोटल लैंड जो वहाँ है 1.15 एकर्स है, लेकिन उसी में अब ये मेंशन कर रहे हैं कि प्लॉट नंबर 65, खाता नंबर 19, लैंड मेजरिंग 1.03 एकर्स, अंडर प्लॉट नंबर 81 एंड लैंड मेजरिंग 0.04 एकर्स अंडर प्लॉट नंबर 82, जो खाता नंबर 169 का है, खाता नंबर 169, ये भी हमारे कडरू के ही अरगोड़ा डिस्ट्रिक्ट रांची में नदी के किनारे ये इसका पाथ है। और इंटरेस्टिंग क्या है, ये प्लॉट अभी भी खाली है, उसमें प्लॉट संख्या 193, 194, 195, 196 दर्शाया गया है,
जो हम नक्शा में देखकर देख रहे हैं, और वो नदी के किनारे कुछ जमीन ऐसा भी है जो गैर मजरुआ है, उसको भी उसी में इंक्लूड कर लिया है। तो इसमें ये देखा जाए 193 प्लॉट नंबर जो है परमानंद झा को अलॉट किया हुआ है, जबकि इनको भी पनिशमेंट के तौर पर बाहर कर दिया गया था, लेकिन यह केस लड़ रहे हैं। इनका 2014 से केस चल रहा है, अभी मंत्री जी के दरबार में इनका केस चल रहा है, उसका कोई फाइंडिंग्स नहीं आया है, केस चल रहा है लेकिन कोई डिसीजन नहीं आया है, इसलिए इनका 193 प्लॉट को टच नहीं किया जा रहा है, उसको छोड़ा गया है। इन्वेस्ट जितना प्लॉट है उस खाता नंबर जो बताया गया 65 में 194, 195, 196 और रेस्ट जो जमीन उसमें है वो गैर मजरुआ जमीन है। अभी भी इतना जमीन हम लोगों का सोसाइटी का बचा हुआ है। बहुत ऐसे मेंबर हैं जिनको अलॉट किया, अलॉटमेंट लेटर दिया, लेकिन उसको उसमें प्लॉट भी आवंटित था, लेकिन वो क्या किए हैं कि पैसे के वज़ में किसी और को बेच दिए, और उसमें ऐसे ऐसे मेंबर जो एजी ऑफिस के ही मेंबर थे उनको प्लॉट अलॉट नहीं किया गया। उसमें एक हमारे हैं कमल किशोर चौधरी, वो भी रिटायर्ड AO हैं, उनका प्लॉट नंबर जो है 208 दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पे किसी दरोगा को, एक पुलिस इंस्पेक्टर को दे दिया गया, भेज दिया गया, और इनको आज भी कहा जाता है कि तुमको देंगे, लेकिन इनका अलॉटमेंट लेटर हाथ में पड़ा हुआ है, लेकिन इनको अभी तक नहीं दिया गया है। और उसके साथ साथ 193 जो देखा गया, 194 में थे शशिभूषण मिश्रा, वो भी 192 में थे शशिभूषण मिश्रा, वो भी AG ऑफिस में ही कार्यरत थे, उनका भी प्लॉट छीनकर किसी और को दे दिया गया। वो सारा प्लॉट, सिर्फ एक ही प्लॉट जो है 193 जो परमानंद मिश्रा का है, लेकिन उनको भी इस तरह से उलझाए हुए था कि हो सकता था कि उनको केस नहीं लड़ते, आगे नहीं बढ़ते, तो उनका भी प्लॉट छीन लिया जाता, लेकिन वो केस में फंसा हुआ है, इसलिए उनका उतना प्लॉट काट कर जस्ट 1.03 एकड़। अभी जो इंटरेस्टिंग बता रहे हैं आपको, वो लैंड प्लॉट नंबर 65 में है, 1.5 एकर्स है, खाता नंबर 19 है, और लैंड मेजरिंग 1.03 एकर्स जो बता रहे हैं अंडर प्लॉट नंबर 81 एंड लैंड मेजरिंग 0.04 एकर्स अंडर प्लॉट नंबर 82 और खाता नंबर 169, ये सारा चीज़ जो है इसी में उलझा हुआ है, और ये प्लॉट अभी भी खाली है, किसी को अलॉट नहीं किया गया है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है तो हर मीटिंग में यही कहते हैं कि अब सोसाइटी में कोई ज़मीन नहीं बचा है, ना किसी को हम ज़मीन दे सकते हैं, और लेकिन अभी भी बैक डोर से ये प्लॉट को, हाँ ये हमको जानकारी मिल रही है, कोई ना कोई आके खबर करते हैं, तो लगता है कि इस प्लॉट को किसी भी कीमत पर बचाना है। अगर इसमें भी किसी तरह का हेरा फेरी होता है तो इसका भी कार्रवाई हम लोग हाईकोर्ट में करेंगे। पहले तो इसकी सारी जानकारी रजिस्ट्रार साहब को देंगे, जो कि इमीडिएट इस पर एक्शन लेंगे, और इस ज़मीन का जो भी जेन्युइन मेंबर हैं उसको अलॉट कर दिया जाए, बस इसी के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं।